जय शनिदेव। दर्शकों, मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद में। दर्शकों, विश्व के एकमात्र सनी साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में पंचतत्व की सुरक्षा व संतुलन द्वारा प्राणियों को जीवन दान देने हेतु श्री सनी आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में 24, 25 एवं 26 जून को एक विशाल राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन इस साल का एक महत्वपूर्ण आयोजन था। दर्शकों, अब आपके लोकप्रिय कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी यह एक विशेष रिपोर्ट। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राजदीति नारायण रे की सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दर्शकों, पिछले शनिवार को समयाभाव के कारण श्री राहुल त्रिपाठी जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आपको नहीं दिखा पाए थे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद, जहां से श्री राहुल त्रिपाठी जी ने पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न विभाश्री दीदी जी से पूछे और दीदी जी ने अपने ओजस्वी वाणी में उन प्रश्नों का जवाब क्या दिया, ये देखते हैं। एक और क्वेश्चन है पूज्य दीदी माँ, हमारी क्या क्या दायित्व बनती हैं पंच तत्वों की सुधार एवं उनको संतुलन करने के लिए? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि हमारे उत्तरदायित्व क्या है ये बिगड़ने से रोकने के लिए, और जो पंच तत्व असंतुलित हो रहे हैं हमारी लापरवाही से जो बिगड़ रहे हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, हम क्या करें। हर व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व बनता है कि वो किसी गलत चीज़ पर रोक लगाए,
चाहे वो गलती छोटा कर रहा हो या गलती बहुत बड़ा इंसान कर रहा हो। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, यदि आकाश तत्व को निर्मल और स्वच्छ रखना है तो हमें ध्यान देना होगा कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसका धुआं, उसकी अग्नि सब कहाँ जा रही है और कहाँ प्रभावित कर रही है। यदि हम वायु को निर्मल करना चाहते हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि किन किन कार्यों से, हमारी किन किन बातों से, किस किस व्यवहार से हमारी वायु को प्रदूषण का मिल रहा है, प्रदूषित हो रही है। वायु प्रदूषित होने का कारण जब समझ में आता है तो निराकरण आप उसका कर पाएंगे। तो वायु प्रदूषित क्यों हो रही है ये हमें समझना पड़ेगा। अग्नि क्यों बढ़ रही है, तेज अग्नि होते चली जा रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि गर्मी के दिनों में सूर्य इतना तप रहा है कि आपकी बॉडी में जलने के जैसा एहसास होने लगता है, धूप सही नहीं जाती। तो ये अग्नि पहले तो इतनी तेज नहीं थी, यदि हमने सही तरीके से आकाश को और वायु को बचाव पक्ष के रूप में इस्तेमाल नहीं किया तो अग्नि के तीव्रता से हम भी जलने लगेंगे। हम कैसे इस अग्नि के प्रकोप से बचें? अग्नि चाहिए पर संतुलित चाहिए, असंतुलित नहीं। जैसे व्यक्ति को जीवन जीने के लिए भोजन तो चाहिए पर संतुलित आहार चाहिए, अति सर्वथा वर्जिते। तो इसलिए हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि जिसे हम ऊर्जा कहते हैं वो भी अग्नि है और जो ये जलाने वाली अग्नि है ये भी अग्नि है। भोजन पचाने से लेकर जिंदगी के हर मोड़ पर अग्नि हमें काम आती है। अग्नि तत्व ही अग्नि तत्व है, बिना अग्नि तत्व के जीवन का संचालन नहीं है। प्रकृति में भी यदि अग्नि तत्व नहीं होगा तो आपको ये हरियाली नज़र नहीं आएगी, आपको ये प्रकृति खूबसूरत नज़र नहीं आएगी। इसलिए इसके स्वरूप को बिगड़ने से हमें बचाना होता है। इसके स्वरूप को बिगड़ने से बचाने के लिए हमें हमारी ऊर्जा का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऊर्जा को सेव करना पड़ेगा। जिन कारणों से भीषण गर्मी बढ़ रही है, सूर्य का ताप हम सह नहीं पा रहे हैं, उन कारणों को समझकर उनको निराकरण में लाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम जल को ले सकते हैं, जल घट रहा है, हिमशिलाएं गिर रही हैं, नदियां सूख रही हैं, कुओं में ज़्यादा पानी नहीं होता, बावड़ी खोदें तो पता चलता है जल नहीं निकला, कहीं बोर बनाएं, हैंडपंप लगाएं तो गारंटी नहीं कि जल निकलेगा। पहले कभी 25-50 फीट में जल निकलता था, आज के समय में दुगना जाने पर जल मिलता है। तो ये जो जल तत्व बिगड़ रहा है इसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हमने इतना नुकसान किया है उसका, कभी सेव ही नहीं किया। यदि हम सेव करते, उसका नुकसान नहीं करते तो ये स्थिति नहीं आती कि वो जल तत्व बिगड़ जाता है। इसीलिए हमको इन पांचों तत्वों को बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हमारे जिन कार्यों से, चाहे वो रासायनिक खाद डालने से हो, चाहे खेत में आग लगाने से हो, और चाहे गलत बीज बोने से हो, जैसे कुछ नशीली चीज़ें होती हैं तम्बाकू आदि, उन्हें जब खेत में लगाया जाता है तो खेती होने के बाद में बिना खेत में आग लगाए वो दोबारा पैदा नहीं होती। इससे हमारी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति तो नष्ट होती है, लाखों जीव जंतु तो जलते ही हैं, पर हमारी पृथ्वी कमज़ोर पड़ती है। एक दिन ऐसा आता है कि उर्वरा शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। हमने जितनी रसायनिक खादें
इस पृथ्वी में डाली है, इस धरती में डाली है, इस भूमि में डाली है, उतना हमने इसे कमजोर किया है और उससे उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों ने हमारे जीवन को कमजोर किया है। तो हमारा उत्तरदायित्व यह है कि हम ज़्यादा रासायनिक खादों को अपनी उपज में इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि हम पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को नष्ट होने से बचा लें और वो काम करें जो पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकता है। जहाँ आप एक फसल लेते थे वहाँ कोई दो फसल लेने की प्लानिंग करें, पर पहले आप पृथ्वी को उतना ज़्यादा महत्व देंगे, धरती की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखेंगे, तभी ऐसा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री के समय में लोगों को एक समय खाना खाकर एक समय उपवास रखना पड़ा था, अन्न की कमी के कारण हमें विदेशों से अन्न मंगाना पड़ा था और किस तरीके से हम संघर्ष कर रहे थे अनाज को पैदा करने के लिए। हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमारी पैदाइश है, जो हमारी खेती है, जो भी उत्पन्न हम कर रहे हैं, उसकी शक्ति को नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाएं और आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने से हम कैसे रुकें। तो मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में ये पांच प्रकार के जो पंच तत्व हैं बिगड़ रहे हैं और बिगड़ने से रोकने के लिए हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, इस विषय पर आपको चिंतन दिया कि हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम वो कार्य ना करें जो हमारे निजी स्वार्थ के लिए, निजी कमाई के लिए तो हैं, पर उससे आकाश में चारों तरफ धुआं हो जाए और प्रदूषित आकाश हो जाए और आकाश से हमें कहीं आगे कुछ दिखाई ना दे और वो कल के दिन हमारे जीवन यापन में हमारे तत्व को खराब करने के नाम से तकलीफ का कारण बन जाए। वायु को भी हमें प्रदूषण मुक्त रखने के लिए वो सब करना है जो वायु को प्रदूषण से भर देते हैं, उन कर्मों को रोकना है। जल को भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। जल की बर्बादी जहाँ जहाँ से होती है वहाँ वहाँ से रोकना पड़ेगा। और अग्नि के साथ भी, ऊर्जा के साथ भी हमें बहुत संभाल के व्यवहार करना पड़ेगा कि हमारे पास में जितनी ऊर्जा प्रकृति ने दी है हमें उतने में ही गुजर बसर करनी है। हम लिमिट से ज़्यादा यदि इस्तेमाल करते हैं तो आगामी नुकसान हमारे सामने में खड़े होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हर व्यक्ति को इन पंच तत्वों के ज्ञान को समझकर इससे संबंधित संरक्षण और संतुलन बनाने के लिए हर पल प्रयास करते रहना चाहिए। नमस्कार दीदी जी, आपने पंच तत्वों के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना मूल समय निकालकर हमारे दर्शकों को सुंदर जानकारी दी। राहुल त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब इस संत सम्मेलन में भारत के अनेकानेक राज्यों से आए संत महात्माओं ने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आइए देखते हैं परम पूज्य डॉक्टर विश्वास मुंडलिक जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री साहेब राव शास्त्री जी महाराज छत्रपति संभाजी नगर के ओजस्वी उद्बोधन। तो पहला आकाश तत्व का निर्मिति हुई। जगह भी नहीं थी तो जगह भी निर्माण हुआ। जगह भी नहीं थी, आकाश तत्व भी नहीं था तो क्या था हमारे समझ में नहीं आ सकता। पर आकाश से फिर वायु, तेज, जल और पृथ्वी की निर्मिति हो गई और उस पंचतत्व के आधार पर पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति हो गई। तो पूरा के ब्रह्मांड की निर्मिति तो स्थूल निर्मिति है जो हम अनुभव कर रहे हैं। पर आगे चल के हम देखा जाए तो हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। पंचमभूत स्थूल स्वरूप में भी हमारे शरीर में है, सूक्ष्म स्वरूप में भी है। पर यह भी समझने की आवश्यकता है,
स्थूल स्वरूप बोला तो हमारा शरीर है, अस्थि है, स्नायु है, ये सब स्थूल स्वरूप है, पृथ्वी तत्व का है। हमारे शरीर में खून है, रस है, ये सब जल तत्व का है। शक्ति है, हमारा शरीर शक्ति दिशा चलता ही नहीं है, हमारा दिल चलता है, फेफड़े चलते हैं, इसलिए तो हम जिंदा हैं। तो यहाँ शक्ति भी है, यहाँ वायु भी है। वायु का मतलब वायु तत्व है, केवल गैस नहीं है। और वायु तत्व का कार्य क्या है? प्रेरणा देना है। तो शक्ति, तेज तत्व, वायु तत्व, इस मिलके हमारा शरीर सब चलता है। और शरीर में आकाश तत्व भी है। और हमारा शरीर अच्छा रहने के लिए पांचों तत्वों का संतुलन होना चाहिए। यदि यह संतुलन बिगड़ गया, जिस प्रकार बाह्य पंचमहाभूत का संतुलन बिगड़ गया, तो बहुत कठिनाई आती है हमें, जो हम महसूस कर रहे, जिसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हो गई है। तो हमारे शरीर के पंचमहाभूत का भी संतुलन होना चाहिए। संतुलन का मतलब क्या है? कि वो एक दूसरे को मिलते जुलते रहे। अब ये संतुलन के लिए जिम्मेदारी तो हमारी है, संतुलन रहे, ये व्यवस्था भगवान ने तो की है, लेकिन हमारा भी उसको इंटरफेरेंस रहता है उसमें। अभी इसके लिए हम बाह्य विश्व से भी कुछ संतुलन बना सकते हैं, कि पंचमहाभूत बाह्य विश्व में भी है, हमारे शरीर में भी है। तो इस प्रकार बोला जाता है कि हम आहार लेते हैं खाने के लिए, तो आहार में तो भी पंचमहाभूत ही है, स्थूल है, सूक्ष्म है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आप तत्व सब है। जो अच्छा आहार है उसमें पांचों पंच तत्वों का अंतर्भाव है, तो हमें ऐसा लेना चाहिए जिसमें पांचों तत्व है। आज हम ऐसा लेते ही नहीं है, बाजार से लाते हैं, उसमें बहुत कुछ तत्व नहीं होते, खाली पृथ्वी तत्व होता है। अभी यहाँ तो सूक्ष्मता का विचार है, शक्ति का विचार है। पांचों तत्व एक अलग अलग शक्ति है, अलग अलग कार्य करने वाली शक्ति है। तो हमारे शरीर में भी ये सब कार्य शक्तियाँ ठीक ढंग से कार्य करती है, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब कार्य में बिगाड़ हो जाता है तो बीमारी हो जाती है। तभी योग का संबंध इधर ही है, कि योग हमें सिखाता है कि पंचतत्वों का संतुलन कैसे बनाया जाए। इसलिए योग में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पतंजलि का अष्टांग योग तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन आजकल ज़्यादा मैं मालूम है आसन प्राणायाम मालूम है लोगों को, वो तो आसन प्राणायाम तो है, लेकिन ये पतंजलि का अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इस अष्टांग के सहारे हम हमारे शरीर का पूरा पंचतत्व का संतुलन रख सकते हैं। उसके लिए साधना बताई गई है, साधना सिखाई भी जाती है। आजकल आपने देखा है कि योग का प्रचार तो बहुत चल रहा है। 3 दिन पहले तो विश्व योग दिन का भी समारोह हो गया, पूरे विश्व में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। और सारे विश्व में लोग यही अनुभव कर रहे हैं कि शरीर में सब पंचतत्व का संतुलन होता है। संतुलन होता है का मतलब बीमारी निकल जाती है, शरीर स्वस्थ रूप से कार्य करने लगता है। और यही आज की आवश्यकता है, केवल शरीर नहीं तो मन भी है, तो मन की भी स्वस्थता की आवश्यकता है। इसे हम मनशांति या मेंटल पीस बोलते हैं। योगिक प्रक्रिया के सहारे हमें मन की भी शांति मिलती है, मन की भी स्वस्थता मिलती है। हमारे शरीर में वायु तत्व भी है, योग शास्त्र में प्राणायाम बताया गया है, अलग अलग ढंग के प्राणायाम कीजिए तो वायु तत्व का संतुलन हो जाएगा ठीक ढंग से। आगे चल के हमें मालूम है कि आत्मा भी है, तो आत्मा के लिए भी कुछ समाधि अवस्था तो वही है। इस प्रकार योग शास्त्र में सब कुछ बताया गया है। योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम करना यह तो नहीं है, पूरा अष्टांग योग का अभ्यास हम करेंगे तो
तो पूरा संतुलन ठीक ढंग से बन जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य सभी हम अनुभव कर सकेंगे, और यह स्वास्थ्य होगा तो हम कुछ हमारे जीवन में प्रगति कर सकते हैं, आगे की साधना भी कर सकते हैं। लेकिन शरीर स्वास्थ्य नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन की प्रायोरिटी है, और उसके लिए दवाई ज़्यादा काम नहीं करती, उसके लिए योग साधना काम करती है। इसलिए हम तो योग साधना का ही प्रचार करते हैं, लोग उसका अनुभव भी करते हैं। तो इसलिए इस शुभ मुहूर्त पे मैं आपको भी, आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा योग सीख लीजिए, थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर दीजिए, आप भी धीरे धीरे अनुभव कर पाएंगे इसका क्या परिणाम है। और जिस सारे आपका विकास होगा, शारीरिक स्तर पे होगा, मानसिक स्तर पे होगा, बौद्धिक स्तर पे होगा, आत्मिक स्तर पे भी होता होगा, और हम कुछ आगे की साधना कर पाएंगे, वस्तु रहा वो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम शारीरिक स्वास्थ्य में उलझ गए हैं, आगे जा ही नहीं पाते हैं। योग आपको ये सब सिखाएगा, इसलिए योग की साधना करिए, सब ठीक हो जाएगा। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य होगा, विकास भी होगा, क्योंकि असल में योग तो विकास का शास्त्र है। टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम कह सकते हैं प्राथमिक स्वरूप पे, अंतिमतः तो आत्मा के विकास है परमात्मा तक, लेकिन प्राथमिक स्वरूप पे तो व्यक्तिमत्व का विकास है। ये सारे बातों की आज आवश्यकता है समाज में, हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जिस पंचमाभूत के उद्देश्य से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, उस पंचमाभूतों का समन्वयात्मक ये जो पिंड है, इस पिंड को साहेबराव शास्त्री इस नाम से कहा जाता है, और ये पिंड जब तक पंचमाभूतों का समन्वय है उसके कारण मैं आपके साथ संवाद साध रहा हूँ। जब इनका समन्वय बिगड़ जाएगा तो हम उसका नाम देते हैं राम नाम सत्य है। इसलिए परिचय में क्या दूं, पिंड का नाम बता दिया और मेरा परिचय तो आप हैं, आपका परिचय मैं हूं, और इसका नाम संत सम्मेलन के अध्यागत जो है वो इसीलिए दिया गया है कि आप संत महापुरुष जो है इस कार्य को अच्छी तरह से वहन कर सकते हैं और उसका हर जगह जगह घर घर पहुंचा सकते हैं, और इस पंचमाभूतों को पर्याय से, पृथ्वी को पर्याय से, जीव सृष्टि को बचाने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। उसी योगदान की आराधनीय अज्ञा समाराधनीय विभाश्री दीदी जी और यहाँ राज दीदी जी दोनों दीदियों के तत्वावधान में ये कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग यहाँ कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, और इस धरातल को बचाने के लिए आप सभी अपना योगदान दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाह, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पशेमाक्षिभिर्यजत्राः, शिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाङ्गुस्तनुभिर्विषेम देवहितं यदायुः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम सहस्रमूर्तये शरदाशतम्, शृणुयाम शरदाशतम्, प्रभ्रवाम शरदाशतम्, अदेनाशाम शरदाशतम्, भूयस्य शरदाशतात्। ओम स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। ओम
शनिदेव महाराज की, ऐसी ही दीदी पर शनि की, भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे और ये 3 दिन का जो प्रकाश है वो और तेज हो, और दीदी 3 दिन के नहीं सब 365 दिन आपका उजाला ऐसा ही बना रहे, ऐसे शनिदेव भगवान के चरण में सभी महापुरुषों के द्वारा हम निवेदन करते हैं और ये सभी का आपको स्वीकार है, आपको सभी स्वस्थ स्वस्थ इस प्रकार के आशीर्वाद दे रहे। ओम जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में अब इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए मुझे यानी आरपी सिंह को इजाजत दीजिए। जय शनिदेव। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साथी, शनि धैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाषी दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाषी दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 0240-2471-558 और 6572-888, मोबाइल नंबर 0942-2704-358। सनातन धर्म, जय शनिदेव। मैं श्री शनि आश्रम चिक्कल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आज आपको एक बहुत विशिष्ट कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भी देती हूँ। हमारे अखंड भारत के सनातन धर्म की सुरक्षा और हिंदू धर्म की विजय प्राप्ति हेतु आपके छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में 6 नवंबर से 8 नवंबर तक परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यानी बागेश्वर धाम सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली संगीतमयी राम कथा का आयोजन और बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार आपके इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सांसद केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय डॉक्टर श्री भागवत जी कराड़ हैं। इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी कार्यकर्ताओं ने आपसे आग्रह किया है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों से अपने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ में इस आयोजन में पधारकर आयोजन की शोभा बढ़ाएं और सनातन धर्म के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।